वेलकम वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे हाउ टू जनरेट मनी फ्रॉम इंट्राडे ट्रेड्स। देखिए, एज ए ट्रेडर हम लोग यही सोचते हैं कि इंट्राडे जो ट्रेड्स होते हैं उससे एवरी डे एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी, जैसे मान लो कि हम लोग अगर 50,000 के कैपिटल से अगर हम लोग ट्रेड करते हैं तो हमारी एक्सपेक्टेशन होती है कि ठीक है, कुछ डेली वेजेस कह दो आप या फिर डेली प्रॉफिट कि ऑलमोस्ट 1,000 रुपये का हमें एवरी डे प्रॉफिट हो। अब होता क्या है कि जब भी इस तरीके की चीज़ें हम लोग सोचते हैं ना कि 1,000 रुपये के प्रॉफिट हमेशा हो, तो हमने क्या किया कि अपने अपना जो एक टारगेट है उसको फिक्स कर लिया 1,000 रुपये। अब एक्सपेक्टेशन ये होती है कि जो भी ट्रेड्स हम लोग लें, सपोज आप दिन के 2 ट्रेड्स लेते हो, ठीक है, 2 से 3 ट्रेड्स, अब आप 50,000 के कैपिटल से कोई एक ट्रेड में पूरा 50,000 रुपये आप लगाते हो या फिर इसमें आप 25K लगाते हो। दूसरा जो आप ट्रेड लेते हो साइमल्टेनियसली लेते हो, उसमें क्या आप 25 लगाते हो या 10,000 ही लगाते हो, तो ये तो अलग अलग बाइफरकेशन है 50,000 का। लेकिन अगर आप सपोज मान लो कि 2 से 3 ट्रेड लेते हो, एक ट्रेड में आपका रिस्क है ऑलमोस्ट 1,000 रुपये का रिस्क है सपोज, ठीक है, या फिर आप 500 का रिस्क लेते हो, तो आपके रिवॉर्ड क्या होंगे? मैक्सिमम देखिए ज़्यादातर ट्रेड्स 1:1 के होते हैं, तो फोकस आप 1:1 पे ही करोगे ज़्यादा, क्योंकि 1:2 के लिए रुकना होगा और शुरुआत में एज ए बिगनर रुकने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। जैसे कोई स्टॉक इस तरह से नीचे आ रहा है और आप चाहते हो कि ठीक है, यहाँ पर आपने एंट्री ली, यहाँ पर 1:1 का प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन जब ये ऊपर यहाँ तक आएगा ना आपके कॉस्ट के ऊपर, आपका SL यहाँ है, तो ऐसा बार बार ऐसा होता है, तो लगता क्या है कि ठीक है मैं यहाँ पर एग्जिट कर जाऊँ। हम लोग कभी कभी ऐसी सोच आती है कि ठीक है अब तो मार्केट ऊपर आ गया, अगर आप स्टिक हो अपने प्लान से तब तो ये पुल बैक था और नेक्स्ट टाइम इस तरह से गिरेगा मार्केट, ठीक है। तो और आप अगर ये सोचोगे कि आपने एंट्री यहाँ पर ऐसे ही ले ली, आपको क्या करना चाहिए, इस फॉल में एंट्री ले लें, तो इसमें आपको समय नहीं मिलेगा। मैं आपको दिखाऊंगा इसी चार्ट पर आपको कि आप यहाँ पर एंट्री ही नहीं ले पाओगे, तो पोजीशन तो आपको पहले ही बनानी होगी, प्लस पुल बैक का जो डर है वो आपको ख़त्म होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग बात कर रहे हैं कि हाउ टू जनरेट मनी फ्रॉम इंट्राडे ट्रेड्स। तो जब हम लोगों ने ये फिक्स कर लिया कि 1,000 रुपये का SL हम लोग हमेशा एक ट्रेड या एक दिन में देंगे, ऑलराइट, और प्रॉफिट भी अगर निकालेंगे तो 1,000 रुपये का निकालेंगे, तब इससे क्या होता है ना कि आप अब ट्रेड्स को मैनिपुलेट करते हो। कहने का मतलब क्या है कि आप हर वो ट्रेड, तभी ये चीज़ सक्सेसफुल होगी, जैसे आपको 1,000 रुपये निकालना है तो ये चीज़ आपकी सक्सेसफुल तभी होगी जब एंट्री लेने से पहले आप अपने रिस्क को कैलकुलेट करते हो और रिवॉर्ड को भी कैलकुलेट करते हो और उस एग्जिट पर ही निकलते हो। क्योंकि एक बार ट्रेड लेने के बाद आपने अगर एंट्री यहाँ पर कर ली और उसके बाद आपने सोचा कि ठीक है मेरा टारगेट ये 2760 है, और आप क्या करोगे कि यहाँ से जब ये यहाँ तक आपकी साइकोलॉजी सही थी, लेकिन जब ये पुल बैक लेगा तब आप सोचोगे चलो हाफ प्रॉफिट में ही निकल जाता हूँ। तो अगर ये चीज़ें हो रही हैं तो फिर हम लोग अभी बिगनर हैं, अभी उस स्टेज में पहुँचे ही नहीं जहाँ पर हम लोग अपने टारगेट के लिए रुक सके। और जब तक एक प्री डिफाइंड लेवल्स पे एंट्री और प्री डिफाइंड लेवल्स पे एग्जिट नहीं होगा, प्रॉफिटेबल लॉन्ग टर्म में नहीं हो सकते, ठीक है। तो करना अप्रोच क्या होनी चाहिए, देखिए अप्रोच इंट्राडे जो ट्रेड्स है इसके एक सीक्रेट मैं आपको बताता हूँ। इंट्राडे ट्रेड्स जो है ना वो क्या है, एक पार्ट है एक स्विंग का, इस तरीके से आप समझ सकते हो। इंट्राडे ट्रेड है वो एक पार्ट है एक स्विंग ट्रेड का, और स्विंग ट्रेड के डायरेक्शन में, देखिए जो ये बात बता रहा हूँ प्योर मतलब बहुत आप समझो गोल्ड है ये चीज़, कि ये जो एक स्विंग ट्रेड होगा ना उसके जो डायरेक्शन होंगे उसमें आपको इंट्राडे ट्रेड्स मिलते हैं, और आपकी इतनी इफिशियंसी होनी चाहिए कि अगर आप अगर स्विंग के शुरू में इसको अगर नहीं पकड़ पाते हो, स्विंग के शुरुआत में ही ट्रेड को आप नहीं पकड़ पाते हो, तो आप अगर नेक्स्ट डे इसको पकड़ना चाहोगे तो आपका जो रिस्क रिवॉर्ड है ना वो गलत हो जाएगा।
तो सेकेंड डे जब आप एंट्री लेते हो, मतलब आप फर्स्ट डे समझो कि आपने एक स्विंग है उसमें आपने एंट्री ली, ये जो भी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ इसको चार्ट पर भी दिखाऊंगा, आपने एंट्री ली फर्स्ट डे और आपने क्या किया, इंट्रा डे में उसी लेवल पर एग्जिट हो गए क्योंकि मूवमेंट ही नहीं आई, लेकिन वो ट्रेड सही है। नेक्स्ट डे जब आप उसमें एंट्री करना चाहोगे ना, आपको समय ही नहीं मिलेगा, मार्केट नीचे आ जाएगा। अब मैं आपको इसी चार्ट पर दिखाता हूँ। देखिए, एक इसमें एक ट्रेड था जो इंट्रा डे में मैंने इसमें ली थी और 2 दिन इसमें लिया, थर्ड डे एज ए स्विंग, एक एक पोजिशन मैंने स्विंग की बना रखी थी तो वो तो ठीक है, एक पोजीशन एक प्रॉपर लेवल्स में मैंने बनाई वो सही है। लेकिन अगर आप देखो कि इंट्रा डे में फिर मैं उसमें कैश में सेलिंग करना चाह रहा था, 1-2 दिन अच्छे से काम हुआ, थर्ड डे वो चीज़ें नहीं हुई। मैं आपको बताता हूँ कैसे। देखिए, मार्केट जब इस लेवल पर था, ठीक है, यहाँ तो इस यहाँ पर आप देखो 21st है डेट, यहाँ तक एक अलग दिन है, यहाँ तक एक अलग दिन है, तो इस लेवल पर एंट्री ली और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 20 पॉइंट का ये रिस्क था। 20 पॉइंट एसएल कहाँ थे, यहाँ पर। इसको मैं डिलीट करके बताता हूँ। देखिए, ये आप कैंडल देख रहे हो ना, यहाँ पर एंट्री थी 2820 के लेवल पर, यहाँ इस लेवल पर स्टॉप लॉस था, तो यहाँ पर जो मैंने ली ये एक पोजिशनल थी, ठीक है। तो आप देखो किस तरह से स्विंग्स जनरेट होते हैं। यहाँ पर एक पोजिशनल मैंने यहाँ पर एक फ्यूचर्स को शॉर्ट किया और इस लेवल से जो मेरे टारगेट्स थे, यहाँ इस लेवल के टारगेट थे, तो ये देखो जिस दिन मैंने इसको लिया उस दिन टारगेट अचीव नहीं हुआ। तो अगर ये ऑप्शंस अलग चीज़ है, ऑप्शंस पे की बात नहीं है, देखिए ऑप्शंस में डीके है, बहुत सारी चीज़ें हैं, फ्यूचर्स की बात कर रहा हूँ, फ्यूचर्स में ही आप एक्सेल ट्रेड को होल्ड कर सकते हो। तो यहाँ पर ली इस दिन, देखिए मार्केट में एक्सपेक्टेशन मुझे यही थी कि एक दिन में यहाँ से ये वाले टारगेट्स मुझे मिल जाएंगे, लेकिन ये चीज़ें नहीं हुई। आप देखो अगर इसमें किसी ने ऑप्शंस लिया होगा तो भी लॉस, कैश में लिया तो भी लॉस। अब देखो यहाँ तक मार्केट आया, नेक्स्ट डे मेरा फिर से, जैसे मैं कोई भी एक स्विंग ट्रेड लेता हूँ तो उसमें एक स्विंग में तो एक पोजीशन रहती ही है, प्लस सेम डायरेक्शन में नेक्स्ट डे मैं कोशिश करता हूँ उसमें एंट्री करके कैश सेक्टर, कैश में उसमें सेलिंग करके उसमें से प्रॉफिट्स बनाने का। तो आप देखिए ये स्विंग तो ठीक है, चल रहा है। अब नेक्स्ट डे देखिए मार्केट की क्लोजिंग यहाँ हुई। अब एक्सपेक्टेशन ये थी कि इस लेवल से अगर सेलिंग आती है तो मैं सेल करूंगा, ठीक है, लेकिन हुआ क्या, यहीं पर सेलिंग है। वैसे यहाँ पर सेलिंग की जा सकती थी लेकिन मुझे ऐसा लगा कि ठीक है, पिछले दिन का जो ये होल्ड है सो अच्छा पुल बैक दे सकता है कल की तरह ही, आज भी इतनी इजली ये वाला जो लेवल है वो क्लियर नहीं होगा। तो मैंने क्या किया, यहाँ से जो इसको सेलिंग की, जो मैंने होल्ड किया हुआ था वो तो मैंने होल्ड किया हुआ था, अब यहाँ पर मैंने सेल नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि ये मुझे पता है कि जितना मैं सपोर्ट के पास जा रहा हूँ ना उसके बाउंस होने के चांसेस ज़्यादा है। अब देखिए कि एक कैंडल बाद ही फिर से मार्केट ऊपर के लेवल पर क्लोज हो गया। तो इस दिन है सो आप देखिए कि आज भी अगर आपकी एक्सपेक्टेशन होगी यहाँ तक के टारगेट्स नहीं मिले। अब आप नेक्स्ट डे देखिए, फिर से हम लोग सोच रहे हैं कि इसमें एंट्री लें। अब आप ये 15 मिनट्स की आप कैंडल देख लो, या फिर आप 5 मिनट्स की कैंडल देख लो, या फिर आप 1 मिनट की कैंडल देख लो, इवन कि आपके पास अगर ट्रेडिंग व्यू है आप 1 सेकेंड की भी आप कैंडल देख सकते हो। एक बारी में अचानक से ये सडन फॉल आता है और ऐसे मूव्स सिर्फ उन्हीं को प्रॉफिट देते हैं जो इंट्रीज पहले करते हैं। अब देखो कि हाउ टू जनरेट मनी फ्रॉम इंट्राडे ट्रेड्स, इसका आंसर मिला या नहीं मिला। इसका आंसर यही है कि देखिए, आपको अगर स्विंग्स के डायरेक्शन पता है और उसके बाद एज ए इंट्राडे ट्रेडर आपका काम होता है कि किसी ऐसे जगह पे आप उसमें एंट्री लो जिसमें आपको डिफाइंड टारगेट्स, डिफाइंड एसएल हो और आपको प्रॉफिट्स भी मिले, तो इस ट्रेड में कहाँ लिया जा सकता था। आप बताओ, अगर आपने यहाँ पर, हम लोगों ने ली यहाँ 20 पॉइंट का रिस्क, सेम लेवल पर मार्केट एंड हो गया, 0-0 पे निकल गए, ब्रोकरेज आपका गया। नेक्स्ट डे फिर से यहाँ पर सेलिंग की, एसएल यहाँ पर थोड़ा बहुत प्रॉफिट मिला लेकिन मार्केट कहाँ पर क्लोज हुआ, आप देखो सेम लेवल पर क्लोज हुआ। और थर्ड डे जब ये मूवमेंट आई तब हमें टाइम नहीं मिला। तो देखो, एक एज ए इंट्रा डे ट्रेडर काफी मुश्किल है, आप जब तक कि ऑलमोस्ट 20-30, जैसे हम लोग जब ट्रेडिंग करते हैं तो 6 सेक्टर्स,
और उसमें से 5 से 6 स्टॉक्स, सब में हम लोग की नज़र होती है कि किस में सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, और जिसमें रिस्क रिवॉर्ड अच्छे हो, जिसमें डायरेक्शंस क्लियर हो, जिसमें रिस्क कम हो, उसमें ट्रेड लेने की कोशिश होती है। तो इंट्राडे ट्रेडर का काम बस इतना ही है कि अगर आपको उस डायरेक्शन में इंट्री का मौका मिलता है, आपके रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल हैं, तो आपको उसमें इंटर करना चाहिए। इंट्राडे ट्रेडर को ज़रूरी नहीं है कि कभी भी उसको टारगेट्स मिले, टारगेट्स उसको यूजुअली कम ही है मिलते हैं। देखिए, 1:1 के मिल सकते हैं, आप कोई भी ट्रेड कहीं पर भी इसमें एंट्री लेके देखो, 1:1 इजली मिलेंगे। 1:2 का जब भी आप सोचते हो, 1:3 का सोचते हो, तो आपको क्या करना होता है, स्विंग करना होता है, BTST करना पड़ता है, STVT करना होता है। ऑलराइट, तो आई होप आप इन चीज़ों को समझे होंगे कि इंट्राडे ट्रेड्स है क्या, कैसे इससे पैसे निकाले जाते हैं, और क्या हम लोग करें, किस तरह से हम लोग इंट्रीज प्लान करें जो हमें एक प्रॉफिट दें। तो इंट्राडे ट्रेड्स है बस एक पार्ट है, एक मूवमेंट का, एक स्विंग का, इस तरीके से आप इसे देख सकते हैं। ऑलराइट, आपको अगर कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप लाइक करो, तो समझूंगा कि ठीक है, ये कंसेप्ट आप तक पहुंच रहा है। ऑलराइट, मिलता हूँ किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।